आजादी तो ये आकर आई है, बहराइच में मंगलवार को जिला व शहर कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश मिश्र जनपद प्रतापगढ़ के सांगीपुर में गरीब कल्याण मेले में सम्मिलित होने गई उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल की नेता व स्थानीय विधायक आराधना मिश्रा मोना और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी व उनके समर्थकों के ऊपर प्रशासन व सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में ज्ञापन कांग्रेस भवन से जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय पहुंचकर सिटी कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के बाद जिलाधिकारी कक्ष के सामने किसान संगठनों द्वारा दिए जा रहे धरने को जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने समर्थन दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर जयप्रकाश मिश्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार के हठधर्मिता के व्यवहार की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनी केंद्र व प्रदेश सरकार के कारनामों को छुपाने के लिए विपक्षी दलों के विशेष तौर पर कांग्रेस नेताओं के ऊपर इस प्रकार के झूठे बेबुनियाद एवं घृणित कृत्यों को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई उनके काले कारनामों को उजागर करने का प्रयास न करे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस आचरण की कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और इन फर्जी मुकदमों को वापस किए जाने की मांग करती है और इस प्रकरण की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग करती है। भाजपा के राज में किसानों के साथ हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। किसानों के साथ अन्याय होना बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। अभी ज्ञापन जो अभी हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा, वो हमारी नेता आदरणीय सीएलपी लीडर आदरणीय मोना मिश्रा जी के ऊपर मुकदमे कायम किए गए। हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं, विशेषकर कांग्रेसियों को टारगेट करके, उनके ऊपर मुकदमा लिखा दिया जाता है, आवाज़ दबाई जाती है। अभी वहाँ से मुकदमा हम लोगों ने ज्ञापन दे करके मैं लौट रहा था। अभी किसान भाई की समस्या थी, किसान भाई की बात हमने सुनी बैठ करके, तो हम लोग किसानों के मुद्दे पे, हम लोग कांग्रेस हर लड़ाई, कांग्रेस एक विचारधारा रही है और जो विचारधारा देश के हित में है, हमारे समाज के हित में है, हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, सड़कों पे उतरते रहेंगे, मेरी जान रहे। मोना मिश्रा कहाँ की नेता हैं? मोना मिश्रा प्रतापगढ़ की विधायक है। मोना मिश्रा प्रतापगढ़ में ही मामला हुआ था, प्रतापगढ़ में वो गई थी किसी उसमें और उनसे कुछ मतलब हाँ तो उस योजना में कुछ मामला लेकर के तो किसान मेले में तो किसान मेले में जब गई तो उनके ऊपर कुछ ऐसे झंझट पंझट हुआ, तो उसी में उनके ऊपर तमाम मुकदमे लदवा दिए। तो इस समय तो हालात ये हैं कि हम लोग अगर कुछ ज़रा सा बोल दें, अभी यहाँ खड़े हैं, कहिए कानून उल्लंघन का कोई मुकदमा लगा दें, 307 लगा दें, फर्जी लगा दें, तो मुकदमे से हम लोग घिरे जा रहे हैं, हम लोग की आवाज़ दबाई जा रही है। प्रजातंत्र खतरे में है, देश की आज़ादी खतरे में है, आर्थिक आज़ादी खतरे में है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश की दुर्दशा कर रखी है इन लोगों ने और देश कहाँ लिए जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। 70 साल में हम लोगों ने इस देश को किसी तरह से परिवार एक करके, एक तारखंडता को बरकरार करके हम लोगों ने इस देश को बनाया था। आज इस देश को कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं मुसलमान के नाम पे, कहीं जातवाद के नाम पे, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पे क्या मिलेगा? हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, क्या जवाब देंगे? देश के इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा तो जिस तरह अंग्रेजों ने कहा था कि जो है बांटो राज करो, तो बांटो राज करने की परिभाषा हम होने नहीं देंगे जब तक। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमे जो मोना जी के ऊपर लगाए गए हैं वो वापस लिए जाएं और उनको बाइज्जत बरी किया जाए। नहीं किया गया तो? नहीं किया गया तो हमारे सड़क का आंदोलन कहीं चला गया है? हम तो आंदोलनकारी रहे हैं, हमारी उत्पत्ति आंदोलन से हुई है, हमने देश को अंग्रेजों को भगाया है, ये कौन बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट।